फोकस सब्सक्राइब आवर चैनल। सांची एक विश्व संरक्षित स्मारक। अपने बौद्ध वास्तु शिल्प कला और सांस्कृतिक पुरातात्विक अवशेषों एवं ऐतिहासिक कारणों से संपूर्ण विश्व के संरक्षित स्मारकों में एक है। बौद्ध धर्म और संस्कृति का पर्याय बन चुका यह स्तूप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर उत्तर पूर्व में रायसेन जिले के सांची की पहाड़ी पर स्थित है। प्राचीन भारत के स्तूप निर्माण श्रृंखला में सांची स्तूप सर्वाधिक संरक्षित स्तूपों में एक है, जिसका निर्माण काल ईसा पूर्व 3री शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य का माना जाता है। यद्यपि सांची का संबंध न तो भगवान बुद्ध के जीवन से रहा है और न ही बौद्ध साहित्य के किसी भी घटना से, फिर भी सांची के बिना बौद्ध धर्म और संस्कृति बेजान और अधूरी सी प्रतीत होती है। सांची के इन पहाड़ियों के मध्य न केवल स्तूप बल्कि बौद्ध मठों, विहारों, स्तंभों और मंदिरों के भी अवशेष मौजूद हैं, जो मौर्य, शुंग, सातवाहन और गुप्त काल के हैं। कुल मिलाकर सांची कई भारतीय राजवंशों का बौद्ध धर्म के प्रति समर्पण और आस्था की कहानी बयां करती है, और यही कारण रहा है कि प्राचीन काल में सांची को राजकीय संरक्षण मिलता रहा। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मौर्य काल में सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने के पश्चात संपूर्ण भारत में स्तूपों और स्तंभों का निर्माण शुरू हुआ। बौद्ध धर्म और संस्कृति एवं उसके दर्शन को चारों दिशाओं में फैलाने के लिए इन सभी स्तूपों का निर्माण
भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेषों पर किया गया और सांची का स्तूप भी उसी निर्माण श्रृंखला की एक कड़ी है। मुख्य स्तूप एक का निर्माण ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में मौर्य शासक सम्राट अशोक ने कराया था, जिसे बाद के कालखंडों में शुंग शासकों ने इसके स्वरूप को बृहत आकार दिया। यह स्तूप अन्य सभी स्तूपों से आकार में बड़ा है, जिस पर प्रस्तर का लेप चढ़ाकर संरक्षित किया गया है। अर्ध गोलाकार में ईंट की बनी इस स्तूप की ऊंचाई 17 मीटर और व्यास 36 मीटर है, जिसके शीर्ष पर तीन छत्रावली हैं। इस स्तूप में हरनिका युक्त वेदिका बने हैं, दोहरी सोपान मार्ग युक्त मेधि और स्तूप के आधार में प्रस्तर युक्त प्रदक्षिणा पथ बने हैं, जो चारों तरफ से बलुआ पत्थरों के रेलिंग से घिरी है, जिसकी चारों दिशाओं में चार तोरण द्वार हैं। इन तोरण द्वार के पूर्वाभिमुख प्रस्तर के भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं, जो वर्तमान में खंडित अवस्था में है। ये तोरण द्वार अलग अलग राजवंशों के काल में बनाए गए हैं, जिसमें दक्षिणी तोरण द्वार मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो सबसे प्राचीन है, जिसके पास ही अशोक स्तंभ है जो खंडित अवस्था में है। सांची का अलंकृत तोरण द्वार इसकी मूल विशेषताओं में एक है, जो बौद्ध वास्तुशिल्प कला का अद्भुत मिसाल है। प्रस्तरयुक्त सभी तोरण चौकोर आकार वाली स्तंभों पर टिकी है। इन स्तंभों के शीर्ष पर अलग अलग कलाकृतियां देखने को मिलती है, जिसके सहारे तोरण तख्त खड़ी है। इनमें यक्ष, यक्षिणी, हाथी और सिंह की कलाकृतियां हैं। प्रत्येक द्वार में तीन तीन तोरण हैं, जो परस्पर एक दूसरे से जुड़े हैं, जिनमें ऊपरी, मध्य और निचली तीन पैनल हैं। स्तंभों में भी इसी प्रकार का विभाजन देखने को मिलता है, जिन पर उन्नत किस्म की नक्काशी की गई है। ये नक्काशी भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर निर्वाण तक की सभी घटनाओं को दर्शाता है। स्तंभों के निचले भाग में द्वारपाल की भी कलाकृतियां हैं। तोरण द्वार पर भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों के लिए कुशीनगर के मल्लों के बीच हुई लड़ाई को भी दिखाया गया है। साथ ही सम्राट अशोक की मल्लों से अस्थियों के अवशेष हासिल करने की घटना की भी नक्काशी की गई है। मुख्य स्तूप के अतिरिक्त कुछ अन्य स्तूप भी हैं,
इन स्तूपों में स्तूप संख्या 3 महत्वपूर्ण है। स्तूप संख्या 3 की संरचना स्तूप संख्या 1 के समान ही है, लेकिन इसका आकार छोटा है और इसके शीर्ष पर एक छत्रावली है। एक तोरण द्वार वाले इस स्तूप का निर्माण भगवान बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र और महामोगलायन की अस्थियों के अवशेषों पर किया गया है। सांची के इस संपूर्ण परिसर में अनेक बौद्ध मठों और विहारों के अवशेष मौजूद हैं, जो ईसा पूर्व 3री शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य के हैं। मौर्य काल और गुप्त काल के स्तंभों के भी अवशेष मिलते हैं। मंदिर संख्या 17 और 18 गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला का उदाहरण है। समतल छतें और बड़े कक्षनुमा पत्थर के स्तंभों से बने मंदिर हिंदू मंदिर स्थापत्य कला के निर्माण शैली का प्रारंभिक उदाहरण है, जो संभवतः बौद्ध भिक्षुओं के साधना स्थल के लिए बनाए गए थे। ऐसी ही निर्माण शैली सांची से 15 किलोमीटर स्थित गुप्तकालीन विदिशा के उदयगिरी गुफाओं में देखने को मिलती है। मंदिर संख्या 45 और 46 गुप्त काल के हैं, जिसमें बौद्ध विहारों के अवशेष मौजूद हैं। इन विहारों में बौद्ध भिक्षुओं के लिए कक्ष भी बनाए गए हैं। मंदिरों के दीवारों पर यक्ष यक्षिणी के अतिरिक्त विभिन्न मुद्राओं वाली कलाकृतियां की नक्काशी की गई है। भगवान बुद्ध के मूर्तियों के अतिरिक्त कक्ष के दीवारों पर नक्काशी कलाकृतियां एवं उसकी निर्माण शैली गुप्तकालीन वास्तु स्थापत्य कला का उदाहरण है। अंतर में भारतीय राजवंशों के पराभव और भारत में मुगल आक्रमण के फलस्वरूप सांची की भव्यता काल के गर्भ में समा गई, जिसे 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी शासनकाल में मार्शल टेलर ने पुनः पुनर्जीवित किया। वर्तमान में सांची भारतीय पुरातात्विक विभाग के संरक्षण में है, जिसे यूनेस्को विश्व संरक्षित धरोहरों में शामिल किया गया है। फोकस सब्सक्राइब आवर चैनल।